अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव चौधरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय जिसे कक्षा 11 में पढ़ता हूँ, और आज़ादी के समृद्ध महोत्सव के महान पर्व में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। और इस योगदान में मैं कविता कहना यहाँ पर इस वीडियो में सुनाना चाहता हूँ। ये कविता का शीर्षक है, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रो गया हूँ जो श्री हरिओम पवार जी ने लिखी है। तो लिखिए प्रस्तुत है। मैं केशव का पांच जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है पर पीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महाबल उठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुम्बन के बाद राम पर चला गया। नई दुल्हन की सेंध छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की कल्पना याद नहीं होगी, उनको भी मीठी नींदों की कल्पना याद नहीं होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। आने वाली दो पंक्तियां कविता की सबसे सुंदर पंक्तियां हैं, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस पे जरूर गौर फरमाएं। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में। शायद दूध उतर आया वो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया वो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से। उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमारे का मर्द पुकारा बन जाता है, उसकी कुर्बानी की पक्ष से सूरज भी शर्माता है, उसकी कुर्बानी की पक्ष से सूरज भी शर्माता है। गहनदानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, गहनदानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए ही माने करना देने को झुक जाता है, उनके लिए ही माने करना देने को झुक जाता है। कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन वीर बुझाता है, कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन वीर बुझाता है। उस सैनिक के सब का दर्शन तीरथ जैसा होता है, उस सैनिक के सब का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों के मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों के मंदिर की मूर्त जैसा होता है। मैं केशव का पांच जन भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरी कविता को पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं कल्याणी मंडल आपके समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है घाटी में संघर्ष विराम। तो लीजिए प्रस्तुत है। केसर की घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर सुनाई देता है। मले समीरा मौसम आदमखोर दिखाई देता है, और लाल किले का भाषण भी कमजोर दिखाई देता है, लाल किले का भाषण भी कमजोर दिखाई देता है। इन कोहरम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है, घोर तिमर के सब ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। मैं युगबोधी कलमकार की धर्म नहीं बिकने दूंगी, चाहे मेरा सर कट जाए कलम नहीं बिकने दूंगी, चाहे मेरा सर कट जाए कलम नहीं बिकने दूंगी। ये जो भी आतंकों से समझौते की लाचारी है, ये दरबारी कायरता है अपराधी गद्दारी है। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, संसद का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में।
किसका खून नहीं खौलेगा, पर सुनकर अखबारों में सिंहों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में। जो घाटी में खड़े हुए हैं हथियारों की टोली में, खूनी छींटे छिड़क रहे हैं घर आंगन रंगोली में। जो पैड़ों से रौंद रहे हैं भारत की तस्वीरों को, गाली देते हैं गाली तुलसी मीर कबीरों को। उनके पैरों बेड़ी रखड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है। जिन लोगों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा। धन्यवाद। वक्त कम है, जितना अदब है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। सोच, तुम्हें देश के खातिर कुछ करना है तो सोच बदल के देखो ना, ये बुरी नजर का रोग है जो ये रोग बदल के देखो ना। तुम्हें देश की खातिर कुछ करना है तो सोच बदल के देखो ना, ये बुरी नजर का रोग है जो ये रोग बदल के देखो ना। जाने अनजाने लोगों पर ताना मारा करते हो, जाने अनजाने लोगों पर ताना मारा करते हो, अरे छोड़ो ये सब करना, कभी खुद की ओर पलट के देखो ना। तुम्हें देश की खातिर कुछ करना है तो सोच बदल के देखो ना, ये बुरी नजर का रोग है जो ये रोग बदल के देखो ना। तुम धर्म पे अब भी लड़ते हो, तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, तुम धर्म पे अब भी लड़ते हो, तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, ये धर्म रोग का जोक है जो ये जोक बदल के देखो ना। तुम्हें देश की खातिर कुछ करना है तो सोच बदल के देखो ना, ये धर्म भेद का रोग है जो ये रोग बदल के देखो ना, ये बुरी नजर का रोग है जो ये रोग बदल के देखो ना। तुम्हें देश की खातिर कुछ करना है तो सोच बदल के देखो ना। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है यह उन दिनों की बात थी। तो लीजिए प्रस्तुत है। यह उन दिनों की बात थी, चुनौतियों से भरी हर रात थी, जब वीर जवानों ने हमारे यह संदेश भिजवाया था, शहीद होकर अमर हो गए और देश आजाद करवाया था। हाँ, यह देश गुलजार है, हवा में इसके प्यार है, छोटे बड़े अपने हैं, खुली आंखों में भी सपने हैं, हर परिंदा आजाद है, सभी भाषाओं में अनुवाद है, हर बूंद में प्यास है, हर रस में मिठास है, रंग मंच है खुशियों का और भविष्य का भी अंजाम है, ज्यादा या थोड़ा ही सही पर हर दिल में मौजूद कलाम है। धन्यवाद।